Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to a new vlog. ना ऑर्किड फार्म करके रखा है यहाँ पे कितने सारे चीकू हुए हैं तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ. मैं आ गई हूँ अपने पेरेंट्स के यहाँ पे यानी कि झारसुड़ा और यहाँ पे कुछ दिन रहने वाली हूँ. ऑल्सो मेरे प्रीवियस वीडियो में एक गिव अवे हो रहा है जिसमें एक रूल ये भी था कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरे को ये बताइए कि आपको मेरे चैनल में क्या देखना पसंद है. तो डेफिनेटली DIYs के तो सजेशंस आ ही रहे थे बट साथ में डेली व्लॉग्स और रूटीन आपको देखना पसंद है. तो एज सच अभी तो मेरा कोई रूटीन नहीं है क्योंकि मैं एकदम चिल आउट फेज में हूँ. जब से मैं मम्मी के यहाँ पे आई हूँ आराम से उठती हूँ और दिन भर रिलैक्स ही करती हूँ. लास्ट वन वीक तो मेरा ऐसे ही गया है बट आज मंडे है और मैं सोची कि नहीं अब थोड़ा सा काम भी किया जाए क्योंकि आपको मेरे मम्मी के यहाँ से DIYs और होम डेकोर के कंटेंट देखना आपको बहुत पसंद है. तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम किया जाए. तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको ये शेयर करती हूँ. सबसे पहले मेरे को एक DIY के लिए एक सेटअप करना है, एक टेबल रेडी करना है. बट यहाँ पे मेरे मम्मी के यहाँ पे कोई टेबल वगैरह नहीं है क्योंकि जब पढ़ाई करते थे तब एक टेबल हुआ करता था एंड उसके बाद मैंने ही बोला कि इसको निकाल दो क्योंकि टेबल की अब जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि फ्यूचर में मैं कभी DIY कॉन्टेंट शेयर करूंगी. तो फिलहाल अभी कोई टेबल नहीं है बट मैं अपने रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी कि किस तरह से मैं DIY वगैरह थोड़ा सा फिल्म कर पाऊँ क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है. बिना AC का तो काम होगा नहीं तो कहीं और शूट कर नहीं सकती हूँ. मेरे को मेरा बेडरूम ही चाहिए तो अपने बेडरूम को ही थोड़ा बहुत मैं चेंज करूंगी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूंगी. अभी तो सामान बहुत फैला पड़ा है. तो सेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना रूम दिखा दूँ. पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है. यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है. नीचे मैं हम लोग मम्मी और मैं कुछ DIY ट्राई कर रहे थे तो उसके सामान फैले पड़े हैं. वहाँ पे पता नहीं टॉवल क्या कर रहा है और बेड में भी सामान फैला पड़ा हुआ है. ये भी यहाँ पे फैला पड़ा हुआ है. तो बेसिकली अभी मेरा रूम का कंडीशन ये है. जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मैं थोड़ा सा सेटअप चेंज कर दी थी क्योंकि पहले बेड ना इस साइड में रहा करता था और वार्डरोब ये बैल्कनी के साइड में और ये रूम बहुत डार्क हुआ करता था. यहाँ पे भी ना मैं एक जो चद्दर डाल दी थी ताकि रूम डार्क हो और अंधेरा रहेगा, रूम ठंडा होगा. ठंडा तो रह रहा था पर इतना ज्यादा मेरे को नींद आ रहा था, एकदम डार्क रूम और मेरे को काम करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. तो कल ही मैंने इसको निकाल दिया है जो पहले पर क्या बोलते हैं उसको चद्दर, पहले जो चद्दर लगा था उसे निकाल दिया है. अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगी क्योंकि यहाँ पे ही मैं टेबल सेटअप करूंगी. टेबल या क्या पता नहीं, अभी तो कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि टेबल है ही नहीं बट यहाँ पे कुछ सेटअप करूंगी क्योंकि ये वाला लाइट जो आ रहा है उससे मैं वीडियोस बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है. मैं यहाँ पे रिंग लाइट लेके नहीं आई हूँ तो इसी तरह से कुछ जुगाड़ करके मैं सेटअप करती हूँ. तो मैंने कुछ सेटअप कर दिया है. तो बेड तो ऐसे ही रहा. यहाँ पे जो अलमारी था उसे मैंने निकाल दिया है क्योंकि उसमें मेरा कोई सामान नहीं हो रहा था और जबरदस्ती का जगह खा रहा था. ये कैमरा तो यहाँ पे लग जाएगा जब मैं वीडियोस वगैरह करूँगी. ये टेबल पे बेसिकली मैं सारा DIY करूँगी. तो इसे मैंने थोड़ा सा वॉलपेपर लगा दिया है और इस साइड में मैंने टेबल और लैम्प रखा है ताकि अगर मैं रात में वीडियो बनाऊं तो इसको लैम्प शेड को अगर निकाल दूंगी तो तभी भी यहाँ पे लाइट आ सकता है. और ये वॉल्स एंड ये खिड़की से अच्छी लाइट आ रही है तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के DIY कर सकती हूँ. पीछे मैं विस्की यहाँ पे बैठा हुआ है. ये नीचे जाता है, घूम के आता है,
फिर ऊपर सो जाता है। बाय द वे इस घर में भी एक पेट है, मम्मी ने एक इंडी अडॉप्ट किया था जिसका नाम है डस्टी। आप मेरे पुराने व्लॉग्स में एंड इंस्टाग्राम वगैरह में देखे होंगे, तो वो यहाँ पे रहता है एंड विस्की भी यहाँ पे रहता है। द प्रॉब्लम इज डस्टी बहुत ही ज्यादा पोजेसिव है, मतलब उसको नहीं पसंद है कि घर के अंदर उसके सिवा कोई यहाँ पे रहे, तो वो थोड़ा सा फ्यूरियस हो जा रहा है विस्की को लेके। एंड विस्की भी बड़ा चौड़ में है, तो विस्की बहुत ही शांत डॉग, कभी भौंकता नहीं है, बट उसे दिख रहा है कि ना हम लोग विस्की को बचा रहे हैं, मम्मी पापा विस्की सामने ना जाए, तो विस्की अभी एकदम चौड़ में आ चुका है। उसको लग रहा है अरे मेरे पास तो लोग हैं और मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसे डांट रहे कि वो ना भौंके। तो ये भी आजकल ना भौंकना और उसके पास जा कि जबरदस्ती उसको ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया है, तो दोनों को अलग रखना पड़ता है। वो नीचे में रहता है तो ये मेरे बेडरूम में रहता है, जब ये नीचे जाता है तो वो पापा मम्मी के बेडरूम में चले जाता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों को मैनेज कर रहे हैं कि दोनों आमने सामने ना हो। इसकी बड़ा खुश है, यहाँ पे मम्मी का गार्डन उसको मिल जाता है, नीचे घूम के आता है, और गर्मी भी है तो एसी में भी उसको मस्त सोने को मिल जाता है। मेरे रूम में तो एसी चलता रहता है क्योंकि ऊपर फ्लोर है ना, बहुत जल्दी गर्मी हो जाता है। तो अभी मेरा सेटअप का काम हो गया है, जाती हूँ नहा धो के रेडी हो जाती हूँ एंड उसके बाद डीआईवाई वगैरह फिल्म करते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है दिन में। मोटे सो गाइस अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ली हूँ, तो मैंने अभी एक डीआईवाई का 20% ही काम किया है, बहुत सारा भी चीज करना है। और अभी लंच टाइम भी हो गया है, थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी लंच करने के लिए। और मेरा जो लास्ट वीडियो गाइस, मैंने जो गिव अवे वाला वीडियो डाला है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिएगा, उसमें आप जीत सकते हैं 8 सप्लाईज वर्थ ₹1000। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड उसमें मेरे को इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स गाइस आप लोग लिख रहे हैं ना, और इतने अच्छे सजेशंस भी आ रहे हैं कि मज़ा आ जा रहा है पढ़ने के लिए। ऑलमोस्ट 100 कमेंट्स मेरे को उस वीडियो में आ चुका है, सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से आप अच्छे अच्छे जो कमेंट कर रहे हैं, क्यों ना मैं आपके लिए एक शाउट आउट करूँ। सो बेसिकली ये होने वाला है कि हर वीडियो के एंड में जो सबसे अच्छे कमेंट होंगे मेरे प्रीवियस वाले वीडियो का, उनका मैं शाउट आउट करूँगी। तो इस वीडियो का शाउट आउट वीडियो के एंड में होने वाला है एंड मैं आप में से जो अच्छा कमेंट आया है उनका कमेंट यहाँ स्क्रीन में मैंशन करूँगी एंड उनको शाउट आउट दूंगी। और इस तरीके के गिव अवे मैं सोच रही हूँ हर महीने आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि आप लोग मेरे को इतना अच्छा प्यार करते हैं, इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स लिखते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैं इन रिटर्न कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ना हर मंथ मैं गिव अवे रखूँगी, तो इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह करना पड़ेगा, बट अब की बार अप्रैल के लिए तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है और हर वीडियो में शाउट आउट ज़रूर होने वाला है। तो इस वीडियो को भी एंड तक देखिए, हो सकता है कि मैं आपका ही नाम शाउट आउट में ले लूँ। अगर पीछे में खराटे की आवाज़ आएगी गाइस तो घबराना नहीं, मेरा विस्की खराटा मारता है पूरा इंसान टाइप। सो अभी शाम के 6 बज रहे हैं
और मेरा DIY जो मैं कर रही थी एक ही ख़त्म हो पाया है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी का काम है और मैं भी थोड़ा सा लेट में ही स्टार्ट की, मतलब लंच के टाइम में स्टार्ट की थी। मम्मी मेरे साथ बैठ के थोड़ा सा हेल्प कर रही थी, आइडिया दे रही थी, क्योंकि उस वो ये सब डिज़ाइंस में बहुत ही क्या बोलते हैं एक्सपर्ट है, तो वो थोड़ा सा आइडिया दे रही थी। अभी फ़िलहाल नीचे गई है, ये मम्मी का बगीचे में इतने सारे फूल हो रहे हैं और यहाँ से व्यू, बड़े बड़े आम के पेड़ है, इस आम के पेड़ में बहुत सारे फल आए हैं। एंड यहाँ पे भी देखिए, एक मिनट, कितने सारे आम हो रखे हैं। ये यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे नारियल का पेड़ भी है जिसमें नारियल भी होता है। बाय द वे, ये मेरा स्कूल है, यहीं से इतना पास में ही मेरा स्कूल है, यहीं से ही मैं पढ़ाई वगैरह करती थी और यहाँ से टिफ़िन मम्मी मेरे को पास करके देती थी। और मम्मी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ है। वो वाले छत में भी, मतलब ये हमारा शॉप्स है, दो तीन शॉप हमने भाड़े में दिया है, और यहाँ पे भी मम्मी कुछ प्लांट्स लगाई है, यहाँ पे भी भर भर के प्लांट्स। ओ बाय द वे, मैं आपको दिखाई नहीं हूँ, मम्मी ने ऑर्किड लगाया है और कैसे लगाई है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पीछे में जो आवाज़ आ रहा है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि साइड में ही कराटे क्लास होता है। बट यहाँ पे मम्मी कुछ इस तरह से ऑर्किड लगाई है एंड यहाँ ऑर्किड हुआ भी है। लेट मी शो, देखिए इसमें ऑर्किड हुआ है, यहाँ पे पर्पल, इधर वाइट शायद लीव्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर सा ऑर्किड हुआ यार, और यहाँ पे भी येलो ऑर्किड, देखिए इधर भी फ्लावर्स, कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। तो झाशा में भी मम्मी ने ऑर्किड ग्रो कर दिया और इतने अच्छे से हो रहा है। देखो मम्मी ने यहाँ पर ऑर्किड फार्म करके रखा है, तो यहाँ पे ऑर्किड हो रहे हैं एंड साथ में आपको चीकू भी दिखा रही हूँ। मम्मी ने एक पेड़ रखा है जिसमें बहुत सारे चीकू हुए हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे चीकू हुए हैं। ये अभी शायद कच्चे हैं, मैं कभी चीकू ऐसे पेड़ से तोड़ी नहीं हूँ, तो मेरे को तो लग रहा है ये सारे स्ट्रॉन्ग है, कच्चे ही हैं। और ये है अमरूद का पेड़, और ये जो चीकू का पेड़ और अमरूद का पेड़ देख रहे हो ना, ये सब गमले में लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े गमले में मम्मी लगाई है। और यहाँ पे चीकू भी हो रहा है और यहाँ अमरूद का भी पेड़ है। एंड मैं अभी रूम में आ चुकी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने दिखाया विस्की रूम में बंद है, और विस्की का प्रॉब्लम है कि वो अकेला रूम में कभी नहीं रहता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे रूम में उसे कोई ना कोई चाहिए। एंड डस्टी बाहर में घूम रहा है, तो जब कभी भी डस्टी खुला रहता है तो विस्की को हम लोग रूम में रखते हैं साथ में, और जब कभी विस्की बाहर निकलता है तो डस्टी पापा के रूम में रहता है। तो ऐसे ही हम दोनों बच्चों को मैनेज कर रहे हैं ताकि वो आपस में काटाकुटी ना करे और फ्यूरियस ना हो जाए और घर में शांति बना रहे। तो ऐसे ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं। एंड आज का ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी गाइस, क्योंकि अंधेरा हो गया है, लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। बट अगले जो व्लॉग में आपको बहुत सारे और भी चीज़ें देखने को मिलेंगे, गार्डन के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, ऑल्सो मम्मी किस तरह से घर सजाती है वो भी मैं शेयर करूंगी। बट वीडियो को एंड करने से पहले, जैसे मैंने बताया था कि मैं करने वाली हूँ एक स्पेशल शाउट आउट, जिनका कमेंट मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो गिव अवे वाले वीडियो में, सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे लगा है वो है ऑल टाइम ऑनलाइन रिव्यू, इनका YouTube का नेम है। आई पर्सनली डोंट नो योर नेम बट आई लव योर कमेंट, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आज के वीडियो का शाउट आउट आपको जाता है। तो गाइज ऐसे ही कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट ज़रूर दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।